हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, सेहत का ध्यान दीजिए, फिट रहिए, ठीक है? फिट रहेंगे, जो भी पहनेंगे सब अच्छा लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज का जो वीडियो है वो है कि लिथुवेनिया टीआरपी इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है? बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, मैं वीडियो बना चुका हूँ फिर से आपको, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है ये। सितंबर का महीना चल रहा है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे इंटरव्यू फेस करना है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स आपका पहनावा। आपने देखा होगा मैं अभी एक फॉर्मल शर्ट पहन के आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये शर्ट शर्ट इसलिए सेलेक्ट किया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि इम्पोर्टेंस कितना होता है। उसके बाद देखिए, आपकी जो एक कफलिंग है या अगर नॉर्मल जो बटन है ये बंद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, को ऐसे खुला मत रखिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसे खुला रखते हैं, इंटरव्यू में फोल्ड करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी इंटरव्यू लिथुवेनिया का रहने दीजिए, लाइफ का आपका कोई भी इंटरव्यू अगर आपको क्लियर करना है, प्लीज़ अच्छा शर्ट सेलेक्ट करिए, ठीक है? उसके बाद ये बंद करिए यहाँ से अपना, और एक अच्छी टाई पहनिए, ठीक है? अगर आप टाई नहीं भी पहन रहे हैं, अगर इनफैक्ट आप इसी को बस इतना करके रखेंगे बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है? फिटिंग शर्ट पहनिए, ऐसा ना हो कि शर्ट आपके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है? जैसे कि मेरा शर्ट देखिए एकदम यहाँ फिटिंग का है, ठीक है? तो उसको मैं बंद करूँगा तो यहाँ तक ही आएगा, ठीक है? ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो जो कहावत है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपका वहीं सब कुछ काम तमाम हो जाएगा, ठीक है? जो मैं चाहता नहीं हूँ, भाई चाहता नहीं है कि आपका काम तमाम हो, ठीक है? अब देखिए फ्रेंड्स, एक पीडीएफ मैंने, जो लोग मेरे से गाइडेंस लेते हैं, मैं जो उनको मैं गाइड करता हूँ 1-to-1 वीडियो कॉल पर इंटरव्यू लेके, उनका मैं जैसे लाइव होता है वैसे ही इंटरव्यू करवाता हूँ। ये देखिए एक लाइव ऐसा हमने ने, मेरी मैंने और मेरी टीम ने ऐसा पूरा एक बुकलेट तैयार किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखो क्वेश्चन आएगा, वेयर डू यू रिसाइड इन द कंट्री, ठीक है? मतलब आप अगर इंडियन नेशनल हैं तो कहाँ रहते हैं वो बता दीजिए, ठीक है? उसमें आपको अपना डिटेल एड्रेस देना है, रेजिडेंस देना है, ठीक है? कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, क्या आप स्कॉलरशिप आपको मिली है एक बार भी, विच कॉलेज यूनिवर्सिटी डिड यू स्टडी एट, आर यू ऑन स्कॉलरशिप, ठीक है? व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हैं, डू यू प्लान ऑन स्टडिंग इन एनी ऑफ दी शेंजन कंट्रीज, जो लोग पढ़ाई के लिए जा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एम्बेसी के काउंसिल ऑफिसर्स होंगे वो पक्का आपसे पूछेंगे कि आपका जो प्लान है वो प्लान क्या है। तो जो स्टूडेंट है उनको ये बोलना है कि माय प्लान इज़ टू स्टडी इन लिथुवेनिया एंड आफ्टर दैट यू नो फाइंड अ जॉब एंड डू अ जॉब और सेटल। मतलब जो भी आपका प्लान है, अगर आप जॉब करके सेटल होना चाहते हैं या सिर्फ जॉब करना चाहते हैं या सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप इसका आंसर इस तरह से दीजिए। अगर आप समझ लीजिए काम के लिए जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ, मैं 10th पास हूँ, आई एम 10th पास, आई एम 12th पास, आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम अ डिप्लोमा। अब कौन सी फील्ड में है, आई एम अ ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, आई एम अ ग्रेजुएट इन साइंस, आई एम अ ग्रेजुएट इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? आर यू मैरिड, इज़ योर स्पाउस पार्टनर वर्किंग विथ यू, इज शी गोइंग टू ट्रैवल विथ यू टू लिथुवेनिया। देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है, अगर आप मैरिड हैं तो यस बोलिए, अगर आप स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं या फिर आगे जाके जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तब जाके लेके जाना चाहते हैं तो उसका आंसर दीजिएगा, बहुत सिंपल आंसर है फ्रेंड। अब देखिए इसमें कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर हमारे पासपोर्ट में हमारी मैडम का नाम नहीं लिखा है तो हम क्या करें। देखिए अगर आपके पासपोर्ट में मैडम का नाम नहीं लिखा है और आपने अभी लिथुवेनिया का प्रोसेस शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ अपना पासपोर्ट चेंज करके मैडम का नाम अपडेट करा लीजिए। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आपने अभी प्रोसेस शुरू नहीं किया है, इनफैक्ट लिथुवेनिया नहीं फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं तो अपना पासपोर्ट हमेशा टकाटक रखिए, ठीक है? आपके पिताजी का नाम, माता जी का नाम, आपकी जो मैडम है उनका नाम, सब नाम अपडेट रखिए। अगर आप मैरिड हैं नाम नहीं है, नाम डलवाइए, पासपोर्ट चेंज कराइए अगर आपने शुरू नहीं किया, ठीक है? तो ये बता दीजिएगा। उसके बाद आपको बताना है, डू योर पेरेंट्स लिव विथ यू, क्या आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं वो बताइए आप, ठीक है? क्या आपके बच्चे हैं, ठीक है? उसके बाद आप अपनी इस जॉब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? लिथुवेनिया की जो जॉब है उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आर यू प्लानिंग टू हैव अ बेबी इन लिथुवेनिया ओके स्लैश शेंजन कंट्री, मतलब जब आप अपनी फैमिली लेके जाएंगे तो क्या आप वहाँ पर अपना एक फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं लोगों से, ठीक है? आपकी कोई सिबलिंग, फ्रेंड, रिलेटिव, पेरेंट हैं जो शेंजन एरिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसका एकदम सही सही
आप आंसर दीजिएगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो बोल दीजिए नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं बोलिएगा कि हाँ भाई ये एक है वो उधर रहते हैं मुझे पता नहीं है, ऐसे कंफ्यूजिंग आंसर देंगे तो टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विजिट, ठीक है वो वर्क बोल दीजिएगा। ठीक है, डू यू इंटेंड टू सेटल डाउन इन लिथुएनिया, क्या आप लिथुएनिया में सेटल होना चाहते हैं, इसका आंसर आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको परमानेंट सेटल होना है तो येस, जनरली इसका जो बेस्ट आंसर है इसका आंसर होता है आई हैवेंट डिसाइडेड एनीथिंग येट, आई वुड डिसाइड आफ्टर आई कंप्लीट वन ईयर इन लिथुएनिया। तो इसका सबसे अच्छा आंसर ये है, बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि एक बार जब मैं लिथुएनिया पहुंच जाऊंगा तो वहां जाके फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद जो लोग स्टूडेंट हैं, डिड यू कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी कंपनी इन लिथुएनिया और डिड दे कॉन्टैक्ट यू, हाउ मेनी प्लेसेज हैव यू अप्लाइड एट, मतलब आपने लिथुएनिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, क्या उस यूनिवर्सिटी ने आपको कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, और जिस यूनिवर्सिटी से आपको स्टडी टू इन्वाइट मिला है, इन्वाइट टू स्टडी मिला है, क्या वो कितने दिन में आया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके ट्रैवल के ऊपर होंगे। ठीक है, आपके घर, आपका परमानेंट घर है कि नहीं यहाँ पे, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, आपकी जो सैलरी आपको मिलने वाली है लिथुएनिया में क्या वो जस्टिफाइड है, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है लिथुएनिया में, उनकी डिटेल, आप कौन से प्रोफेशन में जा रहे हैं, क्या आप उस प्रोफेशन में पहले काम कर चुके हैं, ठीक है, अगर काम किया है तो कहाँ पे किया है। ठीक है, आर यू ट्रैवलिंग अलोन, ठीक है, क्या आप अकेले जा रहे हैं, ठीक है, क्या आप पहले यूरोप में किसी कंट्री में गए हैं, ठीक है, आप लिथुएनिया में सेटल होना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपका जो TRP है वो कितने टाइम का है, ये आपको पता होना चाहिए, फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हाँ, व्हेन आर यू प्लानिंग टू रिटर्न, तो इसका आंसर भी आप बोल सकते हैं TRP के बाद। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ योर TRP इज रिजेक्टेड, ठीक है, अगर आपका TRP रिजेक्ट होता है तो आप क्या करेंगे, इसका सबसे बेस्ट आंसर मैं फिर से अप्लाई करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे छोटा सुंदर आंसर आप ये बोल सकते हैं कि वैसे तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम एम्बेसी के चेकलिस्ट के हिसाब से लगाए हैं, लेकिन अगर मेरा TRP उसके बाद भी रिजेक्ट होता है तो मैं एम्बेसी के उस डिसीजन का रेस्पेक्ट करूंगा और अपने रिजेक्शन के रीजंस पे काम करूंगा और दोबारा अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये आंसर आप इंग्लिश में ही बोल सकते हैं, इफ़ एवर माई वीज़ा इज रिजेक्टेड, विच आई एम वेरी श्योर वोंट बी रिजेक्टेड बिकॉज ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आई हैव पुट इन द फाइल इज एज पर द लेटेस्ट चेकलिस्ट ऑफ लिथुएनिया TRP, नॉट विथस्टैंडिंग सर मैडम इफ माई TRP और नेशनल वीज़ा इज रिजेक्टेड, आई वुड मेक श्योर दैट द रिजेक्शन रीजन्स आर वर्कड अपॉन बाई मी एंड आई वुड अप्लाई अगेन विद ऑल द न्यू डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाई द एम्बेसी। इंग्लिश में आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, मैं तो देखिए ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, अगर आपको डिटेल में 1-to-1 एकदम वीडियो कॉल वाला इंटरव्यू चाहिए तो आप फ्रेंड्स मेरे से गाइडेंस पैकेज ले सकते हैं, मैं इंटरव्यू का पूरा आपकी तैयारी करूँगा। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।